मैं इस बात को यकीन से कह सकता हूँ। उत्तराखंड में बढ़ते नशे पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कमर कस ली है। ड्रग्स फ्री देवभूमि बाय 2025 कैंपेन के जरिए उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग्स से मुक्त करने के उद्देश्य के साथ आज पौड़ी के प्रेक्षागृह में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन की ओर से बढ़ते नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में स्कूल के छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए एसएसपी पौड़ी ने कहा कि ये बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो अपने आसपास नशे का सेवन करने वाले लोगों को जागरूक करें। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है कि उत्तराखंड को ड्रग्स मुक्त और नशा मुक्त करना है। 2025 तक उनका टारगेट है, उसी के रेफरेंस में हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। और इसमें हमने अल्कोहलिक एनोनिमस, एक विश्वव्यापी संस्था है नारकोटिक एनोनिमस और अल्कोहलिक एनोनिमस, उनको हमने इनवाइट किया है। और स्कूल के हमारे जो वल्नरेबल, जो हमारे एज ग्रुप के बच्चे हैं 9th एंड अबव, जो कि नशे के प्रति आकर्षित हो सकते हैं किसी कारण से, उनको हमने इनवाइट किया है, उनके टीचर्स को इनवाइट किया है। और यहाँ पर जो संस्था के लोग आए हैं वो अपना अनुभव से बता रहे हैं कि भाई हम लोग ऐसा क्यों हुए और आज हम सुखी हैं या नशे से दूर हैं, तो वो हम कैसे। कार्यक्रम में ड्रग्स से ग्रसित लोगों ने अपने अनुभव साझा करते हुए नशे के दुष्प्रभाव और नशे को छोड़ने के बारे में भी जानकारी दी, ताकि समाज को नशे से दूर किया जा सके। और अगर शराब पीनी शुरू कर दी है तो फिर उसके लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस है। ये गोपनीय सभाएं होती हैं, निशुल्क हैं, ये एक तरह से स्व सहायता समूह है उन लोगों का जो कभी शराब से पीड़ित थे। इनकी इन सभाओं की शुरुआत उन्हीं लोगों ने की जो शराब से पीड़ित थे, शराब से दूर रहना चाहते थे। उद्देश्य बस यही है कि जो छोड़ चुके हैं वो छोड़े रखें और ऐसे लोगों को मदद मिले जो पीड़ित हैं। हमारी सभाएं फेस टू फेस भी होती हैं और ऑनलाइन भी होती हैं। हाल फिलहाल उत्तराखंड में फेस टू फेस देहरादून में होती हैं, ऋषिकेश में होती हैं, रुड़की, हरिद्वार और भीमताल, और उसके अलावा ऑनलाइन तो हैं। पौड़ी से न्यूज स्टूडियो के लिए प्रदीप नेगी की रिपोर्ट।